जय सियाराम प्रेमी जनों, पौराणिक ग्रंथों में, पुरातन धार्मिक ग्रंथों में, वैदिक शास्त्रों में हर दिन की शुरुआत शुभ मंत्रों के स्मरण से होती है। यदि प्रतिदिन इन मंत्रों का नियम पूर्वक विधिवत पालन करके जप किया जाए या उन्हें श्रवण किया जाए तो निश्चित रूप से पॉजिटिव वेव्स आते हैं जीवन में और किसी भी मनुष्य के जीवन की सोच बदलने के लिए उसका पॉजिटिव रहना बहुत आवश्यक होता है। जब आपकी सोच हर समय पॉजिटिव होगी तो सुख और सौभाग्य मिलने की संभावना 100% बढ़ जाती है। प्रेमीजनों, आइए दिन की शुरुआत में नित्य पढ़े जाने वाले सरलतम मंत्रों को, जो आपके जीवन में सुख, यश, वैभव और धन, हर तरह की समृद्धि देते हैं, उनका श्रवण करते हैं। कहते हैं, प्रभाते कर दर्शनम, यानी प्रातः काल सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन कीजिए, हाथों में रचित विधाता की लकीरों का दर्शन कीजिए और इन मंत्रों का श्रवण कीजिए या स्वयं इसका पाठ कीजिए। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम्। हाथ के शीर्ष पर, हथेली पर देवी लक्ष्मी का निवास है और हाथ के मध्य में सरस्वती का निवास है। हाथ के आधार पर श्री गोविंद का निवास है, इसलिए व्यक्ति को सुबह के समय अपने हाथों को देखना चाहिए और उक्त सभी देवी देवताओं का मनन करना चाहिए ध्यान पूर्वक। प्रेमीजनों, भूमि पर यानी पृथ्वी पर चरण रखने के समय मां पृथ्वी से क्षमा प्रार्थना करें। पृथ्वी मां का स्पर्श करके अपने माथे पर लगाएं और इन मंत्रों को ध्यान पूर्वक पढ़ें या सुने। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्श क्षमश्वमेव। समुद्र जिसमें वास करते हैं, जिसने पर्वतों को धारण किया हुआ है, जो संसार को पोषित करने वाली है, भगवान श्री विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी जी आपको मेरे चरणों से स्पर्श करने जा रहा हूं, मुझे क्षमा करिएगा।
भक्तजनों, नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान करते समय इस महामंत्र का जप करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे माँ गंगा, हे माँ यमुना, हे माँ गोदावरी, हे माँ सरस्वती, हे माँ नर्मदा, हे माँ सिंधु, हे माँ कावेरी, सभी नदियों को प्रणाम करिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे स्नान करने के इस जल में आप सभी पधारें। प्रेमी जनों, त्रिदेव के साथ, त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों के साथ नौ ग्रहों का स्मरण कीजिए। ब्रह्मा मुरारिस् त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, राक्षस मुरा के दुश्मन श्री कृष्ण या भगवान विष्णु जी, हे भगवान शिव, त्रिपुरासुर का अंत करने वाले देवों के देव महादेव, आप त्रिदेव को हम वंदन करते हैं। हे नवग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, आप सभी देवता मेरे दिन को मंगलमय करें। यह कह करके सभी को नमस्कार कीजिए। पूजन के समय भगवान सूर्य की आराधना के लिए सूर्य नमस्कार करें। भगवान सूर्य के इस महामंत्र का श्रवण करें या स्वयं पाठ करें। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। हे आदिदेव भास्कर, भगवान सूर्य का एक नाम भास्कर भी है। हे सूर्य भगवान, आपको हम प्रणाम करते हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हों। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको प्रणाम है। हे सूर्य देव,
प्रतिदिन आपकी प्रार्थना करने से युगों तक दरिद्रता गरीबी नहीं आती। आप सबका दिन शुभ हो। प्रतिदिन इन पांचों महामंत्र का पाठ करने से, जप करने से या इनके श्रवण मात्र से जीवन में हर मनचाहा वर फल प्राप्त होता है। सबका कल्याण हो। कल्याणमस्तु।